हेलो दोस्तों, आज 0.1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, तो इस तरह से निकालेंगे। तो 0.1, तो पॉइंट से राइट हैंड साइड में पेयर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है कि 0.1 है, तो इसको पेयर करने के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब ये पेयर हो गया, राइट। तो अब इसमें 10 है, तो किस तरह से इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट है। सबसे पहले इधर जीरो कर देंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे। अब 10 को देखेंगे तो 3 से देंगे, 3 3 जा 9, तो 3 इधर भी लिखेंगे, ये इस तरह से, तो 3 3 जा 9 हो गया ये। आप ये 3 और 3 को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 हो गया 6। ठीक, तो आप इधर 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, आप 6 से 1 डिवाइड होगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक 0 नहीं बढ़ाएंगे, ये भी पेयर में ही, 0 भी जो है पेयर में ही लाया जाता है, ये पेयर में ला गए। ठीक हो गया, आप 6 से 1 डिवाइड होगा नहीं, तो 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम देंगे। ठीक है, 1 टाइम, तो 1 यहाँ भी लिखा जाएगा ये। ठीक, तो आप इधर 61 हो गया ये, तो 61 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 10 को नहीं होगा, तो 100 होगा, तो 1 टाइम डिवाइड करते हैं। ठीक, ये हो गया, तो 61 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 61 × 1 क्या हो गया, 61 आ गया। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, तो 61 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो गया 62। ठीक, आप इधर 100 में से 61 को माइनस करेंगे, इधर आ गया 39, 39। ठीक, अब 62 से 39 डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 0 जो है पेयर में आएगा, 0 पीयर में आ गया। ठीक, अब 62 से 39 को डिवाइड कर, 3 को डिवाइड करेंगे, होगा नहीं, 39 को डिवाइड करेंगे, होगा नहीं, तो 390 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 टाइम कर देते हैं, 6 टाइम आ गया ये। ठीक, इधर भी 6 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, 600 इधर भी, सॉरी इधर भी 6 आ जाएगा ये। ठीक, आप 626 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी आ गया, तो 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15 आ गया। ठीक, 6 6 जा 36 और 1 कैरी हो गया 37। तो अब जो है, अगर हमने जो है यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान तक निकाल दिया है, अगर आप आगे को निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो दशमलव के 3 स्थान तक अगर हम 0.1 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालें, तो ये आएगा 0.316। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।